हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्रॉ करेंगे प्लान ऑफ टी एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ वाल्स, जो कि होगा हमारा वन ब्रेक एंड वन एंड हाफ ब्रेक एंड टू ब्रेक्स के लिए। और जो कि इसमें जो बॉन्ड यूज किया जाएगा वो किया जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड के लिए हम प्लान ड्रॉ करेंगे उसकी टी जंक्शन का एंड कॉर्नर जंक्शन का। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम वन ब्रेक के लिए ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वन एंड हाफ एंड टू ब्रेक के लिए। तो चलिए सबसे पहले कॉर्नर जंक्शन ड्रॉ करते हैं। तो वन ब्रेक का प्लान ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अपना स्केल लेंगे हम इसमें 1:10 का, और जो हमारी ब्रेक होती है, जो ब्रेक का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो तो होता है वैसे कि 19 × 9 × 9। मोटर मिला के इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है, तो उसे हम 20 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। और अब इसे स्केल में चेंज करेंगे अपने, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। यानी कि जो ब्रेक की लेंथ होगी वो होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी विथ होगी वो होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहले जो लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर जो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों लाइनों के जो बीच में जो गैप होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि जो ब्रेक की हमारी लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है, और ये एक वन ब्रेक की वॉल है इसलिए। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसमें क्वीन क्लोजर और ये ब्रेक वगैरह शो करेंगे। तो हमने एक कॉर्नर जंक्शन के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन का साइन हमने शो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इसमें ब्रेक शो करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड लगाया जाएगा इसमें। तो जो इंग्लिश बॉन्ड होता है हमारा, इंग्लिश बॉन्ड इस हिसाब से चलता है, इसका जो फर्स्ट कोर्स होता है ना, तो फर्स्ट कोर्स में और जो वन ब्रेक के लिए होता है, तो उसमें जैसे कि बाहर की साइड में अगर आपको हेड दिख रहा है तो अंदर की साइड में भी हेड दिखेगा, और अगर बाहर के साइड में आपको स्ट्रेचर दिख रही है तो अंदर की साइड में भी स्ट्रेचर ही दिखेगी। इस टाइप में होता है वन ब्रेक का। एंड जो इसका सेकेंड कोर्स होगा, तो जैसे कि पहले में मान लो हमने स्ट्रेचर स्ट्रेचर डाल दिया लाइन से, तो सेकेंड जो कोर्स होगा इसका, उसमें हमारा ऊपर की साइड में हेड शो होगा। यानी कि एक लाइन एक कोर्स में जो पहला कोर्स होता है उसमें यहाँ पर तो स्ट्रेचर स्ट्रेचर डाल दो है ना लाइन से, और दूसरे कोर्स में हम उसमें हेड हेड प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे अगर इसका अगर फ्लेमिश बॉन्ड लिया जाए, तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक स्ट्रेचर उसके बाद एक हेड, एक स्ट्रेचर फिर उसके बाद एक हेड, ऐसे करके डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश बॉन्ड होता है इसमें स्ट्रेचर स्ट्रेचर लाइन से चलता है और हेड हेड लाइन से चलता है। तो ये हमारा जो तो बॉन्ड होता है, ये मजबूत बॉन्ड होता है, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसलिए हम इंग्लिश बॉन्ड को ही यूज में लेते हैं। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। और हाँ, एक और बात ये कि जैसे कि इसमें मान लो एक स्ट्रेचर डाल देते हैं हम, मान लो इसे स्ट्रेचर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेचर डाल देते हैं, यानी कि ईट ऐसे ऐसे डाल दे रहे हैं, इसे हिंदी बोलते हैं पट्टी। तो स्ट्रेचर ऐसे डाल देते हैं, यानी कि स्ट्रेचर ये कहलाता है ये ईट, और ये जो इसका हेड कहलाता है वो ये कहलाता है ये। तो यहाँ पे स्ट्रेचर हमने ये डाल दिया, उसके बाद तुरंत क्या आता है इसमें, क्वीन क्लोजर आता है। क्वीन क्लोजर क्या कहलाता है, जैसे कि ये यहाँ पे हमने एक ईट प्रोवाइड करी, ब्रेक प्रोवाइड करी, उसको अगर हम लेंथ वाइज इसको अगर हाफ कर देंगे तो वो हमारा क्वीन क्लोजर कहलाता है। तो इसका हाफ एक और यहाँ पे जो टुकड़ा लगाते हैं ईट का, वो कहलाता है हमारा क्वीन क्लोजर। ये बॉन्ड बनाने के लिए क्वीन क्लोजर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने इसमें वन ब्रेक प्रोवाइड कर दी, यानी कि स्ट्रेचर है हमारा, ये ऊपर की साइड में स्ट्रेचर से हो रहा है, इसे एस से डिनोट करते हैं। अब इसमें जैसे कि एक स्ट्रेचर डाला, इसके ठीक बाद एक क्वीन क्लोजर पड़ेगा, यानी कि इसको इसका हाफ, यानी कि 1 सेंटीमीटर की हमारी स्केल में ईट ब्रेक, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हाफ ब्रेक करेंगे और तुरंत यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा क्वीन क्लोजर कहलाता है, ताकि बॉन्ड बन जाए। तो हमने इसमें क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दिया, इसमें ऐसे लाइन लाइनिंग करके इसमें शो कर देंगे क्वीन क्लोजर को। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की ब्रेक है हमारी स्केल पे। उसके बाद हम यहाँ से लाइन से स्ट्रेचर इसमें जो है ये डालते हुए ले जाएंगे, और यहाँ पर ये यहाँ पे जो ब्रेक प्रोवाइड होगी वो ऐसी लेंथ पे प्रोवाइड होगी, ऐसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर प्रोवाइड होंगे। उसके बाद अभी कंटिन्यूस प्रोवाइड करते चले जाएंगे ये ब्रेक को। तो हमने इसमें इस साइड की ब्रेक शो कर दिए, ये हमारा हेड हेड शो हुआ, इधर साइड भी हेड, इधर साइड भी हेड। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि स्ट्रेचर शो हो रहा है इस साइड में, तो इधर भी स्ट्रेचर स्ट्रेचर लाइन से शो होगा। तो ये हमारा वन ब्रेक के लिए, इंग्लिश बॉन्ड के लिए 1, 3 एंड 5 कोर्सेस हमने शो कर दिए। उसके बाद इसका 2, 4, 6 कोर्स शो करेंगे यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज़ जैसे कि एस लिखा है यहाँ पे, एस का मतलब है यानी कि बाहर की साइड में इसमें स्ट्रेचर शो होगा, ये स्ट्रेचर पट्टी बोलते हैं, ऐसे पट्टी की तरह ये स्ट्रेचर शो होगा, और इधर साइड में हमारा हेड शो होगा, यानी कि तोड़ा हिंदी बोलते हैं इसे। तो हेड इधर साइड में हमारा हेडर शो होगा है ना, और ये इधर साइड में स्ट्रेचर। तो हमने सेकेंड सेकेंड कोर्स के लिए ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया। तो इसमें एक चीज़ देखी, जैसे कि हमने इस रो में हमने क्या डाले, यहाँ पे इस रो में हेड
हेड हेड। तो अब नेक्स्ट जो इसका कोर्स डाला जाएगा उसमें क्या है, ऊपर से होगा स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर ऐसे ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि है ना ऐसे स्ट्रेचर प्रोवाइड किया जाएगा और लाइन से स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हुए चला जाएगा। अब जैसे कि स्ट्रेचर डाला हमने, स्ट्रेचर के तुरंत बाद एक यहाँ पे क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेचर प्रोवाइड करेंगे इसके यहाँ पे, उसके बाद क्यू इनक्लोजर, और फिर लाइन से ये जो हमारा इधर साइड में जो हेड हेड है इस हेड शो होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेचर था। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। हमने इसमें वन ब्रेक प्रोवाइड कर दी, उसके बाद यहाँ पे तो सीधे स्ट्रेचर प्रोवाइड करते चले जाएंगे हम, और यहाँ पे एक क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड होगा, क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद सेम ब्रेक जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे प्रोवाइड करते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रेक शो कर दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट कोर्स था अपना, तो यहाँ पे स्ट्रेचर स्ट्रेचर हमने प्रोवाइड किया। ये हमारा सेकंड कोर्स है, तो सेकंड कोर्स में हमारे जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे कि हेडर हेडर शो हो, यहाँ पे हेडर हेडर है ना एच से शो करेंगे इसे हम सबको एच से। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हेडर हेडर शो हो रहा था, यहाँ पे हेड हेड शो हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेचर प्रोवाइड होगा, सेकंड कोर्स है हमारा क्योंकि। तो चलिए इसमें स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं, इधर साइड भी स्ट्रेचर शो होगा, इधर साइड भी स्ट्रेचर शो होगा। तो ये हमने वन ब्रेक के लिए इंग्लिश पॉन्ड के लिए हमने यहाँ पर हमने कोर्सेस शो कर दिए। और हम ड्रॉ करेंगे प्लान फॉर वन एंड हाफ ब्रेक थिक बॉल, वो हमारा था वन ब्रेक के लिए और ये हमारा वन एंड हाफ ब्रेक के लिए। तो इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम जैसे कि वहाँ पे हम जो गैप लेके चले थे लाइनों में 2 सेंटीमीटर का लेके चले थे, यहाँ पे लेके चलेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो हमने 3 सेंटीमीटर का गैप करके इसमें फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली है ब्रेक की, है ना। तो जैसे कि इसमें स्ट्रेचर 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 शो हुआ है, हमारी ये वन एंड हाफ ब्रेक की वॉल है, तो उसमें क्या रहता है जैसे कि इधर की साइड हमें स्ट्रेचर शो हुआ है तो उधर की साइड हमें हेडर शो होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्ट्रेचर शो हो रहा है इधर साइड और इधर साइड हमारा हेडर शो हो रहा है, तो इधर साइड हमारा हेडर ही शो होता वो चला जाएगा, यानी कि ब्रेक कैसे पड़ी है ऐसे पड़ेगी ऐसे पड़ेगी। और एक स्ट्रेचर डालने के बाद तुरंत यहाँ पे क्यू इनक्लोजर पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 सेंटीमीटर की गैप में पूरा यहाँ पे क्यू इनक्लोजर पड़ेगा, यानी कि क्यू इनक्लोजर यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का गैप लेके यहाँ तक एक क्यू इनक्लोजर डालेंगे 3 सेंटीमीटर की लेंथ में। उसके बाद यहाँ से तो ये सेम ब्रेक प्रोवाइड करते जाएंगे, ऐसे हेडर शो होगा यहाँ पे और इधर साइड में क्या शो होगा, स्ट्रेचर शो होगा, तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने इधर साइड की ब्रेक शो कर दी है, इधर साइड हमारा हेडर शो हुआ है और इधर साइड हमारा स्ट्रेचर शो हुआ है। अब सेम जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेचर शो हुआ है तो यहाँ पे हेडर शो होगा, तो यहाँ पर भी हम ऐसे हेडर हेडर प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर ये आपको पता ही जैसे कि एक स्ट्रेचर डालने के बाद पूरा एक क्यू इनक्लोजर डाला जाता है ताकि बॉन्ड बना बॉन्ड बन सके, यानी कि ब्रेक बनना, अगर जैसे मान लो यहाँ पे क्यू इनक्लोजर ना होता तो एक ऊपर से जो ब्रेक रखी जाती है इसके ऊपर तो पूरी की पूरी इन दोनों ब्रेक पर आ जाती। अब जो ब्रेक रखी जाएगी वो यहाँ तक आएगी, इसके आधे तक आएगी, हाफ तक ब्रेक, तो ऐसे हमारा बॉन्ड बन जाएगा क्यू इनक्लोजर की मदद से। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं बाकी की ब्रेक। तो हमारा फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा वन एंड हाफ ब्रेक के लिए। तो हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम सेम यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ एंड सिक्स जो कोर्स है वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम ब्रेक्स को ड्रॉ करेंगे तो इसको देख करके ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इधर साइड में हेडर शो हुआ है हमारा, तो इधर साइड में स्ट्रेचर शो होगा, स्ट्रेचर शो होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे एक क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड करेंगे, और फिर यहाँ पर यहाँ जैसे स्ट्रेचर प्रोवाइड हो गया, इधर स्ट्रेचर शो हो रहा है तो इधर हमारा हेडर शो होगा, तो ऐसे ब्रेक प्रोवाइड करते चले जाएंगे और फिर इधर साइड में स्ट्रेचर शो होगा। तो चलिए इसका फर्स्ट ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जैसे कि यहाँ पे हेडर हेडर शो हो रहा था, यहाँ पर स्ट्रेचर शो कर दिया हमने, उसके बाद ठीक स्ट्रेचर के बाद यहाँ पर एक क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड किया था क्योंकि वन एंड हाफ ब्रेक के लिए वॉल है हमारी, तो इसलिए हमने एक तो वन ब्रेक के यहाँ तक स्ट्रेचर प्रोवाइड किया और इसके हाफ तक ही यहाँ पर एक क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड किया। तो ये हमारा क्यू इनक्लोजर यहाँ से यहाँ तक यानी कि 3 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर 30 सेंटीमीटर होगी साइड पर, तो ये हमारा क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड होगा। उसके बाद जैसे कि हेडर शो हो रहा है यहाँ पे, लाइन से हेडर हेडर शो कर देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेचर स्ट्रेचर अंदर शो होगा, और यहाँ पर ये हेडर हेडर शो कर दिए जाएंगे, इधर साइड में हेडर शो होगा और इधर ही स्ट्रेचर है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने वन एंड हाफ ब्रेक के लिए यहाँ पर ये कोर्सेस शो कर दिए 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6, यानी फर्स्ट कोर्स ये रहेगा हमारा, सेकंड कोर्स ये रहेगा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने एच और एस लिखा है, यानी कि इधर साइड के लिए तो ये स्ट्रेचर कहलाएगा
और इधर साइड से हम देखेंगे तो वैसे तो ये हमारा हेड कहलाएगा। अब प्लान जो ये तो हम क्या शो कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं। प्लान का क्या मतलब होता है, ऐसे हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ को देख रहे हैं तो हमारा प्लान शो कर रहा है, यानी ब्रेक ऐसी तो देखेंगे हमें इस टाइप में। ये हमारा कॉर्नर जंक्शन है, नहीं मान लो कमरे की ये दीवार है, ये तो इस तरीके से हमारा 1.5 ब्रेक के लिए और 1 ब्रेक के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम उसके बाद 2 ब्रेक्स के लिए हम जो है कोर्सेस शो तो करेंगे। 2 2 ब्रेक्स ब्रेक्स के लिए हमें 4 सेंटीमीटर का बीच में लाइन होके गैप देना पड़ेगा, तो उसके लिए चलो ये ब्लॉक्स पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसमें हम बताते हैं। तो ये जो हमारा 2 ब्रेक्स के लिए इंग्लिश बॉन्ड होता है, इसमें क्या रहता है हमारा, इसमें भी सेम 1 ब्रेक की जगह 1 ब्रेक की तरह, जैसे कि यहाँ पे अगर स्ट्रेचर शो हो रहा है तो इधर साइड भी स्ट्रेचर शो होगा, यानी कि दोनों तरफ स्ट्रेचर शो होता है। तो दोनों तरफ जैसे स्ट्रेचर शो होता है, यहाँ पे स्ट्रेचर ये हमने प्रोवाइड किया और यहाँ स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे जो जो लेंथ होती है यहाँ पे करीब 1 ब्रेक की लेंथ बचती है, तो यहाँ पर हम जो प्रोवाइड करते हैं ब्रेक को वो लेंथ वाइज प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे तो स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिया, और बीच में जो ब्रेक प्रोवाइड करेगी वो ऐसे लेंथ वाइज प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे। तो इसमें सेम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 ब्रेक प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर वाले यानी कि एक लाइन प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रेचर, और उसके ठीक एक बाद यहाँ पे क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्वीन क्लोजर दो जगह प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग सेपरेट, यानी कि यहाँ पे एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, उसके बाद जैसे कि ये लेंथ वाइज यहाँ पे ब्रेक प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक क्वीन क्लोजर यहाँ पर और एक क्वीन क्लोजर यहाँ पर, तो 2 क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कैसे डिजाइन किया जाता है ऐसे। तो इसको ड्रॉ तक करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमने ये स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिया, ये लाइन से स्ट्रेचर प्रोवाइड करते चले गए, है ना। उसके बाद इधर साइड में हमारा हेडर शो होगा, तो हमने ये हेडर शो कर दिया एक स्ट्रेचर के बाद, तुरंत यहाँ पर हमने एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया। अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर हमने स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद उसमें जो ब्रेक्स प्रोवाइड करी जाएंगी वो ये ऐसे प्रोवाइड करी जाएंगे, यानी लेंथ वाइज ऐसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेंथ वाइज ये प्रोवाइड करेंगे और ये यहाँ पे लेंथ वाइज प्रोवाइड करेंगे, तो यानी कि जो 2 ब्रेक्स आएगी वो यहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ तक ही 2 ब्रेक्स आ जाएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर। फिर उसके ठीक बाद यहाँ पर क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए इसे शो करते हैं। तो हमने ये 2 ब्रेक्स ये लेंथ वाइज ऐसे प्रोवाइड कर दिए इसमें, उसके ठीक बाद ही हमने क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सेम ऐसी प्रोवाइड करते चले जाएंगी ब्रेक्स, ऐसे प्रोवाइड करते चले जाएंगे, और फिर ऐसे यहाँ पे स्ट्रेचर शो रहा है सेम यहाँ भी स्ट्रेचर शो कर देंगे, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेचर स्ट्रेचर ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर ही हमारा क्या हेडर शो होगा इधर साइड में हेडर ये सेम। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा 2 ब्रेक्स बॉल के लिए और इंग्लिश बॉन्ड के लिए हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कोर्स यहाँ पर शो कर दिया है हमने, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ कोर्स यहाँ पर शो करेंगे। तो सेकंड कोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हेडर शो किया था इधर साइड हेडर शो है, तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड होगा स्ट्रेचर, ये लाइन से यहाँ पर स्ट्रेचर प्रोवाइड होगा और यहाँ पर हेडर प्रोवाइड होगा, यानी कि स्ट्रेचर प्रोवाइड होगा, उसके स्ट्रेचर के तुरंत बाद यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली लाइन ड्रॉ करते हैं ब्रेक की, उसके बाद आगे बताते हैं। तो यहाँ हमने क्वीन क्लोजर शो कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेचर शो हो रहा है, यहाँ भी स्ट्रेचर शो होगा, तो बीच में ये ब्रिक्स लेंथ वाइज ऐसे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, है ना। तो ब्रिक्स ऐसे करके प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक आएगी ये ब्रिक्स, जब यहाँ तक पहुँचेगी ऐसे लेंथ वाइज प्रोवाइड करेंगे, तो इसके ठीक यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐसी लेंथ में, तो यहाँ पर एक ही क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद ब्रिक्स सेम ऐसी कंडीशन में प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे भी हेडर शो होगा, यहाँ भी हेडर शो होगा और यहाँ पर हमारा स्ट्रेचर शो होगा। ये जो क्वीन क्लोजर होता है हमारा, इसका ठीक हाफ होता है ब्रेक का लेंथ वाइज। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 2 ब्रिक्स के लिए सेकंड फोर्थ एंड सिक्स कोर्स ड्रॉ कर दिया है, और ये हमने क्यू शो किया यहाँ पे, क्यू रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्वीन क्लोजर को, और एस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्ट्रेचर, एंड एच रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हेडर को। तो ये हमारा 2 ब्रिक्स के लिए हमारा प्लान शो कर दिया हमने इंग्लिश बॉन्ड का। तो हमारा एक कॉर्नर जंक्शन जो है टोटल कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें टी जंक्शन। टी जंक्शन में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 1 ब्रिक टू हाफ ब्रिक वॉल, तो उसका प्लान शो करेंगे। तो चलिए शो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 ब्रिक की वॉल बनेगी और यहाँ पे हाफ ब्रिक की वॉल बनेगी, तो ये टी जंक्शन बनेगा हमारा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं।
तुमने वन ब्रिक बॉल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो टी जंक्शन बनाया जाएगा हाफ वॉल से बनाया जाएगा। तो यहाँ से मिडिल से इसके हाफ ब्रिक बॉल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा टी जंक्शन बन जाएगा। और नेक्स्ट जो इसका जो सेकंड कोर्स होगा वहाँ से बॉन्डिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा टी जंक्शन का फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया, फर्स्ट 3 एंड 5। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे कि ये जो यहाँ से जंक्शन बनाना है वो इसका हाफ और इसका हाफ यहाँ से स्टार्ट करनी है ब्रेक। तो यहाँ पे हमारा टी जंक्शन बन जाएगा, उसके बाद हम इसका सेकंड कोर्स शो करेंगे। तो इसमें जो सेकंड कोर्स होगा उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर प्रोवाइड किया था हमने, हेडर सो रहा था, यहाँ पे स्ट्रेचर प्रोवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे इस लाइन में स्ट्रेचर और इधर साइड में भी स्ट्रेचर, और यहाँ पर एक इसमें बॉन्ड के लिए इसमें हाफ बेड प्रोवाइड किया जाएगा। हाफ बेड यानी कि जैसे आधा बोलते हैं, हाफ बेड वो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ हमने वन ब्रिक बॉल ड्रॉ कर लिया, तो जैसे कि यहाँ पे हेडर सो रहा था, यहाँ पे स्ट्रेचर सो रहा है। इसमें अब जैसे कि सेकंड कोर्स चल रहा है हमारा, तो सेकंड कोर्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें क्योंकि हाफ ब्रेक है तो इसके लिए यहाँ से इसको हाफ बेड यानी कि इस वाली ईट को आधा यहाँ पे रखेंगे, यानी कि आधा यहाँ पे तो रखेंगे, काटेंगे यहाँ पे, और बाकी जो वन जो हाफ ब्रेक है हमारी वो वाली ऐसे पूरी ब्रेक रख दी जाएगी ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये हमारा हाफ बेड कहलाएगा। तो चलिए इसको हाफ ब्रेक करते हैं, यानी कि ये हमारा हाफ बेड कहलाएगा, और यहाँ से पूरी एक लंबी लेंथ वाइज एक ब्रेक रखी जाएगी। तो हमारा वन ब्रेक टू हाफ ब्रेक बॉल ये कंप्लीट हो चुकी है, इसका टी जंक्शन ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे वन एंड हाफ ब्रेक टू वन ब्रेक बॉल। तो वन एंड हाफ ब्रेक पहले बॉल ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर गैप में, और बाकी फिर 1 सेंटीमीटर गैप में हम अपनी नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर गैप होगा उसका। तो वन एंड हाफ ब्रेक की बॉल, और ये जो इसका जो टी जंक्शन बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा, वन ब्रेक की बॉल से। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने वन एंड हाफ ब्रेक बॉल ड्रॉ कर ली है, और ये जो जंक्शन बना रहे हैं हम किसका बना रहे हैं, वन एंड हाफ ब्रेक प्लस वन ब्रेक बॉल। तो वन ब्रेक बॉल हमें ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके मिडल से लेंगे, ना कि ये बिल्कुल यहाँ से सीधे ले लेंगे, यानी कि हाफ यहाँ से आधा हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर यहाँ से, और ये 1 सेंटीमीटर है बीच में, तो टोटल ये 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे वॉल ड्रॉ हो जाएगी, तो हमारे टी जंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने वन एंड हाफ ब्रेक प्लस वन ब्रेक के लिए टी जंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये है इसका फर्स्ट 3 एंड 5th कोर्स, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इसका सेकेंड 4th एंड 6th कोर्स। तो उसके लिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सेम, और ये 2 सेंटीमीटर की एक बॉल ड्रॉ करेंगे। उसमें ये जो कोर्स है उसमें ये स्ट्रेचर है, यहाँ पे इधर हेड शो होगा और इधर साइड में स्ट्रेचर शो होगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने बॉन्ड बना वो ये बॉल ड्रॉ कर ली हमने, उसके बाद अब हमें टी जंक्शन बनाना है। तो उसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमने स्ट्रेचर स्ट्रेचर प्रोवाइड किया था, ठीक है, अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें, हेड प्रोवाइड करेंगे इधर साइड में, तो नहीं हेड ऐसा आएगा ऐसे, तो ऐसे तो बिल्कुल इसको अलग तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि ब्रेक को थोड़ा हाफ अंदर रखेंगे, है ना। तो हाफ अंदर रखने के लिए यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से हाफ ब्रेक प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी टी जंक्शन ऑफ वन एंड हाफ ब्रेक प्लस वन ब्रेक की ये सेकेंड 4th एंड 6th कोर्स कंप्लीट हो गए। तो हमारा ये टी जंक्शन ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे वन एंड हाफ ब्रेक प्लस वन एंड हाफ ब्रेक की बॉल, तो वो हमारी ड्रॉ करी जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन में ब्रेक प्रोवाइड करी जाएगी, यानी ये भी वन एंड हाफ ब्रेक की होगी और ये वन एंड हाफ ब्रेक की होगी। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने वन एंड हाफ ब्रेक की बॉल ड्रॉ कर ली है, टी जंक्शन भी हमारा यहाँ पे जो जंक्शन बनाया जाएगा वो हमारा वन एंड हाफ ब्रेक के लिए है। तो इसको जो वन एंड हाफ ब्रेक के लिए यहाँ पे जो ड्रॉ की जाएगी वो इसके हाफ से की जाएगी, यानी कि हाफ ब्रेक से, ना कि बिल्कुल इसके जॉइंट से, ताकि बॉन्ड अच्छा बने हमारा। तो इसलिए यहाँ से ड्रॉ करी जाएगी, और यहाँ से चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इसका 1, 3 और 5 कोर्स ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसका सेकंड 4th एंड 6th कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसमें इधर साइड स्ट्रेचर शो हो रहा था, इधर साइड हमने इसमें हेडर शो किया, क्योंकि सेकंड कोर्स है। अब इसमें जैसे कि इधर से जो टी जंक्शन हमारा बनाया जाएगा, तो इसमें जो है जैसे कि इसमें अलग रखी है हीट ब्रेक, तो यहाँ पे ये ब्रेक अलग नहीं रखी जाएगी, यहाँ पे थोड़ा अंदर को रखी जाएगी, जो अंदर को रखी जाएगी यानी कि इसके हाफ तक रखी जाएगी यहाँ पे जो ब्रेक आएगी। तो यहाँ पे जो हाफ पे आने के लिए लिया जाएगा,
तो यहाँ पे क्वीन क्लोजर जो स्पेस बचेगा हाफ स्पेस, तो यहाँ पे हाफ ब्रेक यानी कि क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्वीन क्लोजर बॉन्ड बनेगा उससे हमारा, और यहाँ से ये ब्रेक स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारा जंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने यहाँ पे स्ट्रेचर प्रोवाइड किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा हेडर था, तो इधर हमारा स्ट्रेचर प्रोवाइड हुआ है। तो ये हमारा वन एंड हाफ ब्रेक प्लस वन एंड हाफ ब्रेक के लिए भी टी जंक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमारा कॉर्नर जंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।